देखिए, इनके पूरे परिवार के साथ हम वीडियो दिखा रहे हैं, उन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रहते हैं। लेकिन देखिए भाग्य का मैंने फल देखिए कि इन बुजुर्ग महिला के चलते आज पूरा इनका परिवार एक साथ है, और ये जो तीनों व्यक्तियों को देख रहे हैं ये इनके लड़के हैं, और उधर बहू हैं दो गो, और दो बहन हैं, और एक ये जो है यह पोता है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक राज। अच्छा, आपकी दादी का उम्र कितना हो रहा है? 110 वर्ष। अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगता होगा कि आपकी दादी बिल्कुल, सब बिल्कुल, कुछ देख ली? बिल्कुल देख ली। अच्छा, तो सेवा सत्कार करते हैं आप लोग? सत्कार सबको करते हैं मिलकर। अच्छा, तो दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग जो है वो अपने दादी अपनी माँ का सेवा नहीं कर पाते हैं, आप दादी का कर रहे हैं? सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप का क्या नाम हुआ? रामचरित राजपाल। अच्छा, तो ये जो महिला है ये कौन है आपकी? परिवार है। नहीं, वो जो माँ है। माँ है, माँ है। तो सेवा करते हैं? सेवा नहीं करे। अच्छा, कैसे कैसे सेवा करते हैं? जैसे याद रखता हूँ। सब मिल करके, सब मिल करके करते हैं। बहु लोग तो करती हैं कि नहीं करती? हाँ, करती है। जो बहू की बहू है वो करती है कि नहीं? सब करती है। सब करता है, ऐसा नहीं है इसको जरूर से हमरो सब रह। हाँ, कन्या भी ढंग से दादी सेवा करी सब, कहीं बात नहीं है। अब पोता कन्या पोता कन्या की सब करते हैं। हाँ, सब सेवा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? देवर। अच्छा, ये आपके दोस्त? अच्छा अच्छा, मैंने इनको दोस्तमाए हैं। अभी भी ये परंपरा है कि दोस्त की माँ को अपना माँ लोग समझता है? हाँ, आप निभा रहे हैं? क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ देखने के लिए आए। दोस्त की माँ को देखने आए हैं? मैंने इस चीज को अभी भी निभा रहे हैं कि दोस्त का परिवार मेरा, मैंने जो भी परिवार है, दोस्त की माँ, दोस्त के पिताजी सब हमारे हैं। ये चीज अभी भी परंपरा है? अच्छा, ये निभाने आए हैं। देखिए, बहुत अच्छा चीज है कि यहाँ इनके लड़के के दोस्त हैं, और यह भी पहले जमाने में क्या होता था कि बचपन में ही दोस्ती में आदमी दोस्ती मने लगा लेता था कि ये मेरे दोस्त हैं, और उनकी माँ बहन भाई जो भी हैं, जो उनके रिलेशन में रहते थे, उनको भी ये दोस्त अपना मानते थे। और देखिए, इनकी माँ का तबीयत खराब है तो दोस्त आए हुए हैं मिलने के लिए, बहुत बड़ी बात है। दोनों लड़का आया है। और आपके लड़के भी आए हैं? दोनों। अच्छा, ये है एक तो ये। आप कहाँ आए हैं? जी, दोस्त बाबू के यहाँ आए हैं। दोस्त बाबू जी? हाँ। ये किन को बोला जाता है? ये रामचरित्र राज्यपाल जो है ना। हाँ, दोस्त बाबू हुए हमारा। दोस्त मैंने पिताजी के दोस्त, दोस्त हुए तो उसको दोस्त बाबू बोलते हैं। हाँ। अभी भी निभा रहे हैं ये परंपरा? जी। अच्छा, देखिए, काफी हमारे सीमांचल में जो है ना, ये बहुत खूबसूरती है कि देख लीजिए किस प्रकार से एक दोस्त, दोस्त की माँ बीमार पड़ती है तो उसको देखने आते हैं, उनका हाल समाचार लेने आते हैं। अभी तो समय किसी को किसी के अपने परिवार के लिए नहीं है, और यहाँ दोस्त का परिवार को देखने जाते हैं। चलिए देखिए यह वीडियो, और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे सीमांचल पोता का बेटा हुआ ये, इनका पोता आपके पोता का बेटा? नहीं, इनके पोता, पोता का हमारा पोता का पोता हुआ। नमस्कार, मैं अपने अभी गांव में मौजूद हूँ, यानी कि कोढ़ा का मड़वा गांव मेरा अपना गांव है, और आज हम आपको एक स्पेशल चीज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे वो हम आपको बताते हैं। पहली बात कि पूरे दुनिया में कह लें, बिहार में कह लें, कि हमारे कोसी क्षेत्र बदनाम लोग करता है कि यहाँ का पानी बहुत ही खराब है, यहाँ का लोगों का जीवन ज़्यादा दिन नहीं हो सकता है, लोगों का कहना है। और हम लोग भी आज तक शायद इस चीज़ को पूर्ण रूप से मान भी रहे थे, लेकिन आज हमको अचानक से एक लड़के ने फ़ोन किया, नाम है सुजीत, कि भैया हमारे गाँव में भी 110 साल की एक बुजुर्ग महिला है, और बहुत अच्छी मैंने स्वास्थ्य है उनका। तो हमको लगा कि नहीं, इस चीज को दिखाना चाहिए। 110 साल जीने का मतलब है कि आपने बहुत जी लिया, और 110 साल अगर आप जी लेते हैं तो हम इस चीज को नकार देते हैं कि हमारे कोसी के पानी में दम नहीं है। अगर दम नहीं रहता तो फिर ये बुजुर्ग महिला 110 साल कैसे जी पाती, यही समझने के लिए हमको लगा कि हम फोन
पर हम आपको दिखाएं, समझाएं कि हमारे क्षेत्र में अभी भी लोगों का माने जीने का जो नजरिया है वह बदला नहीं है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भैया यहाँ आयरन है तो यहाँ क्लोराइड पानी में मिलता है, हम लोग यहाँ जी ही नहीं पाएंगे, बहुत सारा बीमारी है ये है। लेकिन एक चीज है, अगर मन में दृढ़ संकल्प है कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ वातावरण सब सही है, हमारा क्षेत्र का पानी भी मजबूत है, तो आप भी जी सकिएगा। अच्छा लगा। देखिए ये है, सोई हुई है और आप देख सकते हैं इन महिला का 110 साल, लोगों का कहना है इनसे ज्यादा भी उम्र हो सकता है। अब आज 2-3 दिन पहले ये गिर गई थी और उन्हीं का इलाज चल रहा है। बोलने का हम बात करने की कोशिश करते हैं, वैसे बुजुर्ग हैं। देखिए हाथ से इशारा कर रही हैं और दादी तबीयत खराब हो गया है। कहीं बोल है मैं बोल है कहीं हो ना तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो गया आपका? बोल कैसे बोले गिर गए गिरी बोले गिरी गलो बोल बोला ना बोलने में असमर्थ है। काफी बुजुर्ग महिला है तो आप समझ ही सकते हैं कि अचानक से अगर गिर जाती हैं तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि हमारे क्षेत्र के पानी में दम है भैया, इस चीज को मानना पड़ेगा। और लोग जो कहते हैं कि यहाँ का पानी में दम नहीं है, पहले ही समय से पहले ही लोग बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, तो इस चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नहीं भैया, दृढ़ संकल्प अगर है और आप जीना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज बुढ़ापा इंसान को कब आता है? जब इंसान सोच लेता है कि हम बूढ़े हो गए। अगर इंसान बूढ़ा अपने आप को नहीं समझे तो जो जीना अगर 50 साल है तो निश्चित है कि 55-60 तो वो जी ही लेगा। पता नहीं हम कहां तक सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनको देखकर हमको भी जीने का तमन्ना जो है ना वो बढ़ गया है। इससे पहले हम सोचते थे कि भैया आयरन वाला पानी में हम भी कितना दिन जियेंगे, बीमारी उमारी होगा मर जाएंगे। लेकिन इनको देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे सीमांचल का पानी में दम है। लोग जो भी कहते हैं वो पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन इनको देखकर हमको नहीं लगता है कि वो सही कहते हैं। फिलहाल चलिए इनके कुछ रिलेटिव हैं उनसे भी बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप जिस शख्स को देख रहे हैं इन्हीं की माँ है, ये बुजुर्ग महिला। अब इनका उम्र भी आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री नारायण राजपाल। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? उम्र अभी 65 हो रहा है। आपका 65 हो रहा है। आपकी अम्मा का कितना उम्र हो रहा है? 110। 110 साल। तो काफी खुश होंगे कि चलो हमारी माँ इतना दिन। हाँ, खुश तो है, इसीलिए माँ का सेवा कर रहे हैं अभी तक। माँ का सेवा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। और जितने भी यंगस्टर हैं आप देख लीजिए कि माँ का सेवा करना दुनिया का सबसे बड़ा सेवा होता है। यानी आप जहाँ भी तीर्थ घूम ले या जो भी भगवान को चढ़ावा चढ़ा दें, अगर आप माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं तो आपका सारा चीज वह फेल है। क्योंकि माँ बाप के चलते ही आप आए इस दुनिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम मेरा पर्सनली अगर आप सोच सुनना चाहेंगे तो माँ से बड़ा भगवान तो कुछ इस धरती पर है ही नहीं। तो देख लीजिए ये भी अपनी माँ का सेवा कर रहे हैं। दिक्कत होता होगा सेवा करने में? दिक्कत तो माँ का सेवा में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, काफी मैंने खुश होकर करते हैं। इनका आशीर्वाद से आप भी आज इनका आशीर्वाद से हम भी खुशहाल हैं, ऐसा बात की नहीं है, खुशहाल है। हम लोगों का बाबूजी मरा था, हम छोटे थे, 4-5 साल का थे। अच्छा, उसी टाइम में माइये ने हम लोगों को पोसा पाला। अब देख लीजिए इनकी लड़की है, क्या नाम है आपका? कितना उम्र हो रहा है? 55 साल। इन आपकी माँ है तो माँ को खूब सेवा हुआ कर रहे हैं। ये है। अच्छा, और ये देखिए ये है इनकी बड़ी लड़की, क्या नाम हुआ आपका? है कितना उम्र हो रहा है आपका? 60 से कम। 60 से, मैंने यहाँ जितने भी इनके बाल बच्चे हैं सब 60 क्रॉस कर चुके हैं। और देखिए कितने खुश नसीब है ये लोग, हम बाल बच्चों को कहेंगे कितने खुश नसीब है कि इनकी माँ इस उम्र में भी इनके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, इसको किसी भी लफ्ज में हम बयां नहीं कर सकते हैं। तो माँ को तो दिक्कत होता होगा आप लोगों को सेवा करने में? कोई दिक्कत नहीं। एक महीना से आप? 1 महीना से? हाँ। अच्छा, बेटी है, माँ को सेवा करती है? हाँ। है? करते हैं
बेटी बड़की मैं बोले। अच्छा, हम इनके पूरे परिवार से मिलवाते हैं।